तो यार दोस्तों आज अलगजार के सिक्स सीटर वेरिएंट की स्पेस की बात कर लेते हैं स्पेस मैनेजमेंट कैसी है अगर आप देखें 2760 सौ साठ का व्हील बेस आता है इसमें जो कि इनोवा क्रिस्टा से भी ज्यादा है तो अगर आप देखें जो मेन चीज डिपेंड करती है स्पेस वो व्हील बेस के ऊपर ही करती है तो अगर आप देखना चाहें कि मैं छह फुट का आदमी हूं तकरीबन और हट्टा कट्टा आदमी हूं तो अभी अगर आप देखें यहाँ पे मैं फ्रंट सीट पे बैठा हु और मेरे पास अगर आप देखें तो तकरीबन दो से ढाई इंच की जगह यहाँ पे मेरे पास बाकी अगर मैं आराम से बैठा अगर आप देखें और ये मैंने सीट बहुत ज्यादा आगे नहीं करी हुई है आप देखे यहाँ यहाँ है और यहाँ पे आई थिंक छह फुट तक का आदमी इस इस सिटिंग पोजीशन में बहुत आराम से बैठ सकता है तो अब हम चलते हैं इसके पीछे वाली सिटिंग पोजीशन पे चलते हैं उस पर बैठ के दिखाऊंगा और मैं आपको आखिरी रो में भी बैठ के दिखाऊंगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस गाड़ी में अगर आप ढंग से सीट एडजस्ट करके जाएं तो आप बहुत आराम से छ के छ आदमी जा सकते हैं तो अगर आप देख लें तो ये आगे की सीट एडजस्ट की हुई है और अब मैं आपको पीछे वाली बीच वाली सीट पर बैठ के दिखाता हूँ उसके बाद लास्ट वाली सीट पर बैठ के दिखाता हूँ तो यार कुछ ऐसा इसका कैबिन है वाली सीट मैंने जानबूझ के ऐसे की हुई है क्योंकि मैं इस सीट को डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं उधर से जाके बैठूंगा तो यार ये इसका मैक्सिमम अगर आप कह सकते हैं लग रूम में काफी ज्यादा स्पेस है इसमें कोई कमी नहीं है ये सीट अभी मैंने पूरी पीछे की हुई है और अगर मैं इस सीट को पूरी आगे भी कर लेता हूँ तो भी अगर आप देखे मेरे पास यहाँ पे नी टच नहीं हो रही है लेकिन जनरली क्या होता है कि सिक्स सीटर वेरिएंट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आदमी ऐसे खुल के बैठता है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इस साइड कोई दिक्कत है और मेरे पास पैर स्ट्रेच करने के लिए भी अच्छी खासी जगह है तो आगे एक छह फुट का बंदा बैठ गया फिर छह छह फीट दो इंच का बैठ गया पीछे एक छ फीट का बैठ गया अगर आप अब हम देखें दो मेन क्वेश्चन है आखिरी वाली रो में देखते हैं कि छह फीट का बंदा बैठ पाता है कि नहीं यहां पे मैं जाऊंगा अभी बैठ के दिखाऊंगा आपको आ, और मैं आपको बता दू की आगे की सीट मैंने नॉर्मली एडजस्ट की हुई अगर आप देख लें और ये बीच वाली सीट मैंने काफी आगे कर लिया है रिक्लाइन मेरा एकदम ठीक है नॉर्मल रिक्लाइन है अब लास्ट वाली सीट पे चलते हैं इस सीट को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा और मैं इस साइड से जाऊंगा इसलिए मैंने पहले ये सीट रोल ओवर कर दी है और अब आखिर वाली सीट में जाके देखते हैं कि कितनी स्पेस है एक्चुअली तो यार दोस्तों मैं इधर आ चुका हूँ पहले मैं उधर बैठा था अगर आप देखें कि रिक्लाइन भी एंगल भी जो है ठीक ठाक है मैंने काफ़ी ज़्यादा आगे नहीं कर रखा है पर आराम से आदमी सौ डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर आराम से बैठ के जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इंट्री यहाँ से बहुत ईजी है एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है जैसे बिकॉज की गाड़ी जो है काफी ज्यादा ऊंची तो नहीं है अब मैं आपको इस साइड बैठ के दिखाता हूँ क्योंकि वो सीट जो है छः फीट के हिसाब से एडजस्ट है ये भी मैंने आगे कर रखी है अब आप देखते हैं कि मोमेंट ऑफ ट्रुथ यहाँ पे मैं बैठ सकता हूं या नहीं तो यार दोस्तों अगर आप देखें थोड़ा सा मैं अपराइट बैठा हूँ नो डाउट पीछे का एड्रेस भी मैंने एडजस्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास जगह है मेरा पैर कहीं भी आप देखें ध्यान से अगर तो कहीं भी मेरा पैर टच नहीं हो रहा है और मैं काफी कंफर्टेबली बैठा जस्ट बिकॉज इट इज़ अ सीटर बैठाट मैं इसको भी नीचे करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे आराम से दो आदमी बैठ के जा सकते हैं और अगर आप देखें कि ये देखिए मेरे पास काफी जगह है पैर रखनी अनडाउटेडली अगर मैं ऐसे पैर रखूंगा तो फिर मेरे को थोड़ा सा क्रैम्पी फील होगा लेकिन जगह है ऐसा नहीं है लेकिन मैं जस्ट एडवाइस करूँगा कि आप ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर बैठे एक पैर बाहर निकाल के रखें एक उधर जो बैठेगा आदमी वो भी एक पैर रख सकता है तो ये जो है आ, मैं जनरली जनरनली कह सकता हूँ कि सिक्स सीटर वेरियंट में अनडाउटेडली सेवन सीटर से ज़्यादा स्पेस है भले ही आप में उसमें एक एक एक्स्ट्रा सीट आपको दिख रही होगी लेकिन प्रॉपरली अगर आप कहें कि छह लोग किस में जाएंगे तो वो सिक्स सीटर में ही है अगर आप देखें मैं आराम से बैठा हूँ, इसको थोड़ा और रिक्लाइन कर देता हूँ इसको मैं इस सीट को मैंने आधे एक इंच और रिक्लाइन कर दिया है फिर भी मेरे पास जगह है मेरे पास अगर आप हेडरूम देखें तो हेडरूम भी अच्छा खासा है तो थैंक यू गाइज ये छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ही यही था कि आप लोगों को पता लगे कि कितनी स्पेस है नहीं है एक्चुअल में आ, सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसकी ये वाली सीट जो एडजस्ट हो जाती है एक्सी से वी सेवन डब्लो की सीट नहीं एडजस्ट होती है और बीच वाली रोक अगर आप थोड़ा सा रिक्लाइन करके ही बैठेंगे तो वहाँ पे मुझे इससे कम स्पेस लगती है जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं अदरवाइज वो गाड़ी इससे बड़ी है अनडाउटडली वो ज़्यादा स्पेशियस है लेकिन स्पेस मैनेजमेंट अलक़ार में ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू एक्स यू वी जस्ट बिकॉज इसमें आपको बूट भी काफ़ी बच जाता है छः सीट खोलने के बाद उसके ऊपर भी मेरी ये चैनल पर वीडियो है जरूर जाके देखें Uh, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बताएं क्या क्या वीडियो और बना सकता हूं मैं और क्या कमी लग रही है थैंक यू गाइज सैनिंग ऑफ़